नाउ नींद, नींद हम डिस्कस करने लगे हैं इन केस ऑफ मीन, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज करेंगे. इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज करेंगे उसमें हम मेथड करेंगे शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड ऐसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, इजी मेथड क्या है. सो सबसे पहले हम इसका एक इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ए इज अज्यूम्ड मीन, समेशन एफ डी मतलब एफ इंटू एफ इंटू डी एंड वी विल सम टोटल इट. एंड समेशन एफ दैट इज अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे. सो ए इज assumed mean, sometimes we call it assumed value also, and f d that is f into d. Now d is a deviation of item, deviation of items from assumed mean, from assumed mean. Okay, and we know what this represents. This is summation, that is sum total, and summation F here, that is free. X here is representing frequency. Okay. Now, एक example लेते हैं. That is, एक तरफ wages ले रहे हैं, जो दी है 10, 20, 30, 40 एंड 50. दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज 4, 5, 3, 2, 5. मीन्स 10 रुपीज 4 वर्कर्स ले रहे हैं, 20 रुपीज 5 वर्कर्स ले रहे हैं, 30 रुपीज 3 वर्कर्स ले रहे हैं, 40 रुपीज 2 वर्कर्स ले रहे हैं और 50 रुपीज 5 वर्कर्स ले रहे हैं. अब इनके केस में हम एक एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ऑन एन एवरेज सब वर्कर्स कितने पैसे ले रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, जिससे ये कैलकुलेशंस और इजी हो जाती है. सो वी नीड अज्यूम, इसका फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिविएशन फाइंड आउट करेंगे. डिविएशन, सो डिविएशन जो अभी हमने डिस्कस किया, डी डिविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जो कि कैसे निकलता है, बहुत इजी है, दैट इज एक्स माइनस ए. ए क्या है, दैट इज अज्यूम्ड मीन. सो वी विल सेलेक्ट ए फ्रॉम दिस सीरीज, फ्रॉम एक्स सीरीज. दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्स. वी विल सेलेक्ट ए फ्रॉम दिस एक्स सीरीज. सो लेट सेलेक्ट वन ए दैट इज सपोज वी सेलेक्टेड 30 एज अ अज्यूम, क्योंकि एक मिडल वैल्यू है इसलिए मैंने 30 को ए अज्यूम कर लिया. नाउ डिविएशन, डिविएशन क्या निकलेगी, x माइनस ए, या हम कह सकते हैं x माइनस
30. So x 10. 10 minus 30 equal to minus 20. Like this, again 20 minus 30 equal to minus 10. 30 minus 30 equal to 0. 40 minus 30 equal to 10. And then last, 50 minus 30 equal to 20. So this is our deviation. ये जो है हमारी deviation निकल आई. Now अब हमें क्या चाहिए main? That is f into d. Formula के लिए हमें f into d चाहिए. So f d. F d कैसे निकलेगा? When we multiply f with d. 4 into minus 20 minus 80. 5 into minus 10 minus 50. 3 into 0, 0. 2 into 10, 20. 5 into 20, 100. Now, 80 plus 50 will get 130. 130 minus, we will get it 130 in negative. And this is 120. So, summation. And इन दोनों का result क्या होगा? Minus 130 plus 120. इन दोनों को sum करके क्या बनेगा? Only 10. That is in negative. So summation FD is equals to minus 10. Now, हम अब formula पे put करेंगे इसको. अब हमने इसे formula में put किया. So, हमारा formula ये था. X bar is equals to A plus summation FD divided by summation F. So, हमारा जो A था वो क्या है? 30 हमने लिख दिया. Plus summation FD. वो कितना आया हमारे पास? Minus 10. So, bracket में minus 10. Divided by summation F. Summation F क्या है? Frequency का total. जो कि हमारे पास क्या आया था? Summation F क्या आया? That is 19. So, हमने उसको नीचे put कर दिया. अब, क्या है? हमने इसकी, ये plus minus क्या आता? Minus हो जाता. So, simple, मैंने उसको simplify किया है. थोड़ा easy way में लिखा है. Bracket को open किया है. अब क्या है? फिर 30 को minus किया 0.53. 0.53 कैसे आया? 10 divided by 19 करके. We will get 29.47 rupees. So, हम कह सकते हैं, on an average जो worker है, जो workers हैं, वो 29.47 rupees ले रहे हैं.